मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में दो लोगों की मौत हो जाने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनवाही निवासी 20 वर्षीय राजकुमार यादव की सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो गई एवं मृतक के परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया एवं पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पीएम कार्यवाही के बाद अंतिम संस्कार के लिए 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी घटना जिले चंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदुआ में हुई है, जिसमें स्थानीय निवासी 18 वर्षीय प्रियंका बारी की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई एवं 108 एम्बुलेंस न मिलने के कारण प्राइवेट से आनन फानन में मृतिका के शव को उसके परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पीएम कार्यवाही की गई एवं अंतिम संस्कार के लिए 100 परिजनों को सौंप दिया गया है एवं दोनों मामलों में पुलिस की विवेचना जारी है। वहीं ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि आज जिला अस्पताल में एक युवती और एक युवक के शव को जिला अस्पताल में लाया गया एवं पीएम कार्यवाही के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि जिले में दो लोगों की मौत हो जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है एवं इसके पूर्व में भी विभिन्न कारणों से लोगों की मौतें हुई हैं। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हम हरदुआ के रहने वाले और हम कल बाजार गए थे, चंद आए तो उसका पेट दर्द करता रहा, फिर हम देखे वो खूब सीरियस हो गई थी, फिर उसको एम्बुलेंस को फोन किए तो नहीं आए। इसके बाद फिर हम गांव से गाड़ी लिए, फिर उसी में लेकर आए। मेरा नाम राही वर्मा है, चंदिया से हरदुआ मेरा गांव है। मैं कल गया था बाजार, मतलब मैं बुआ मेरे पापा, मतलब मैं और बुआ बाबू अनैतिक है, ये लड़की पता नहीं, हम लोग आए हैं पेट भी आने लगा है शाम टाइम, अब हम लोग रात हो गई है, हम लोग एम्बुलेंस को भी फोन लगाए तो एम्बुलेंस बोलते रहे कि भाई 11 बज जाएंगे, हमने एट मार्शल किया, यहाँ नहीं किया तो यहाँ नहीं किया है, गुलाम मृत्यु हो गई, फिर पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया है। पोस्टमार्टम उसके दौरान में यहाँ चला आया, मेरा नाम गीसल यादव, मैं ग्राम दुब्बार का रहने वाला हूँ और मेरा भांजा मेरे यहाँ रहता था तो उसको सर्प काट दिया, तो मैं अस्पताल लाया हूँ और कुछ इलाज हुआ, इलाज होते समय उसका मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम चालू। इस साल उमरिया में दो शव को पीएम कार्रवाई में बुलाया गया है, जिनका की अभी पीएम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें की एक बालिका का शव है, एक एवं पुरुष का शव है, जिसका अभी पीएम कार्रवाई चल रही है, पीएम कार्रवाई के पश्चात शव को परिजनों को सौंप। उमरिया जिले में जो प्रशासन है उस पर सतर्कतापूर्वक थोड़ा सा ध्यान रखे और इस तरह की कहीं पर कोई घटना घटती है तो उसे तत्काल संज्ञान में लेकर उनके परिवार के लोगों को भी सुरक्षित करें, ताकि उसको न्याय मिल सके और वो अपना जो भी दर्द है वो खुलकर